दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे कई महान लोगों ने जन्म लिया है जिनके बारे में हम अच्छे से तो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खूबियों को और अनेक कर्मों को उनके द्वारा दुनिया को दिए गए वरदानों को हम नहीं जानते। दोस्तों, इन्हीं महान लोगों की सूची में एक नाम है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने अमेरिका को बदलने में और उसके विकास में एक अहम योगदान दिया है। आपको बता दें, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और उन्हें अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करने और अमेरिका को गृह युद्ध से निजात दिलाने का श्रेय दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो अमेरिका के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति भी थे। और तो और, कई लोग उनको मिस्टीरियस लिंकन भी कहते थे, क्योंकि उनसे जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र आता है जो साबित करती हैं कि लिंकन का संबंध किसी गैबी दुनिया से भी था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिंकन के जीवन तथा उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटुकी के हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के बने हुए घर में हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। उनके वंशज इंग्लैंड से आए थे, जो बाद में न्यूजर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में आकर बस गए थे। अब्राहम लिंकन, उनके दादाजी का नाम बहे कैप्टन अब्राहम लिंकन था, जो 1780 में वर्जीनिया से केंटुकी आकर बस गए। कैप्टन लिंकन की 1786 में एक रेड इंडियन शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी। तब कैप्टन लिंकन के पुत्र थॉमस ने भी अपने पिता पर हुए हमले को आंखों से देखा और अपने पिता की मृत्यु के बाद अनाथ थॉमस ने अपना रास्ता खुद बनाया और अलग जगह जाकर काम करना शुरू किया। और बाद में वो नैन्सी नामक लड़की से शादी करके अपना जीवन यापन शुरू कर दिया उन्होंने। फिर किसी जमीनी विवाद के चलते थॉमस को परिवार सहित इंडियाना के पेरी काउंटी में आना पड़ा, जहां उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों में रह रहा था। किंतु थॉमस ने अंत में एक जमीन खरीदी, जहां उनका परिवार सुकून से रहने लगा। अब अब्राहम 9 साल के थे तब उनकी माता की 5 अक्टूबर साल 1818 में 34 साल की उम्र में मृत्यु हुई। उस समय उनकी दुनिया उजड़ गई और अब्राहम अपने पिता से अलग होते चले गए। लेकिन नैन्सी की मृत्यु के एक साल बाद दिसंबर 1819 में अब्राहम के पिता थॉमस ने सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली, जो कि खुद विधवा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। वो बहुत ही मजबूत और स्नेही महिला थी। उनकी अब्राहम के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। ये दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु सारा ने अब्राहम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। थॉमस एक किसान थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अब्राहम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। एक और कारण था कि इंडियाना में पढ़ने के लिए किताबें आसानी से नहीं मिलती थीं, जिसके कारण थॉमस को किताबें लेने बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था। फिर भी अब्राहम ने अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी शुरू कर दी। मार्च 1830 में अब्राहम अपने परिवार के साथ मैकॉन काउंटी में रहने के लिए चले गए। अब्राहम की उम्र इस समय 22 साल की हो गई थी। वे यहां आकर मजदूरी का काम करने लगे। अब्राहम लिंकन का कद 6 फुट 4 इंच था और वो दुबले पतले और लंबे थे, किंतु वे शरीर से बहुत मजबूत थे। वे इस समय छोटी मोटी नौकरियां करते, जैसे चौकीदारी, दुकानदारी आदि, किंतु अंत में इन्होंने एक जनरल स्टोर खोल लिया। ये कुछ सालों तक चलता रहा। साल 1837 में अब्राहम लिंकन ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और वे विक पार्टी के नेता बन गए। कई सारे चुनाव लड़े। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और गरीबों को न्याय दिलाने के कारण सफलता भी नहीं मिलती थी, जिस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो वकील बनेंगे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। साल 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम हर्निंदो के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और कुछ समय बाद वो वकील बन गए। वकालत से उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, किंतु उनको उनकी वकालत से मानसिक शांति और संतोष मिला, जिसके सामने धन दौलत कोई मोल नहीं रखती थी। वो अपने काम में बहुत ईमानदार थे, जिसके कई किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। लिंकन वकालत के समय उन लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लेते थे जो उनकी तरह गरीब थे। एक बार एक शहीद सैनिक की विधवा को उसकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 की फीस मांग रहा था। लिंकन ने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की, बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी का टिकट का इंतजाम भी किया। साल 1854 में लिंकन ने फिर से राजनीति में कदम रखा। राजनीति के चलते वो बहुत से चुनाव में खड़े हुए। तब वे विक पार्टी से जुड़े हुए थे, किंतु कुछ समय बाद वो पार्टी खत्म हो गई। फिर 1856 में वे एक नए गणतंत्रवाद पार्टी के सदस्य बने। इस नई पार्टी के वे बहुत ही काबिल नेता साबित हुए। इस समय वे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हुए। उन्हें बहुत कम वोट मिले, जिससे वे चुनाव में हार गए, लेकिन उन्होंने इस हार से राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझ लिया। उसी देश में गुलामी प्रथा की समस्याएं चल रही थीं। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वो अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की प्रथा के खिलाफ थे और इसको समाप्त करना चाहते थे। अमेरिका का संविधान आदमी की समानता पर आधारित है, इसलिए वहां देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं थी। लिंकन ने भी देश में हो रही गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए थे। उन्होंने एक भाषण में कहा कि राष्ट्रवाद का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर रहेंगे। अब्राहम लिंकन के इस भाषण और उनके कार्य को देखकर उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुना गया।
जिसके बाद 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी अब्राहम लिंकन का यही प्रयास रहा कि राष्ट्र से गुलामी की प्रथा खत्म हो जाए। गुलामी की प्रथा दक्षिण और उत्तर राज्यों की थी। दक्षिण राज्य के गोरे निवासी कृषि के लिए उत्तर राज्य के निवासियों को बुलाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, किंतु अब्राहम लिंकन इस गुलामी की प्रथा को खत्म करना चाहते थे। दरअसल अमेरिका के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच में गृह युद्ध हुआ, जो कि गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था। दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग खेती करने के लिए उत्तरी राज्यों के काले लोगों को बुलाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बंधक बनाना चाहते थे, और दूसरा ये कि दक्षिणी राज्य अपना खुद का एक देश बनाना चाहता था और उत्तरी राज्य गुलामी को खत्म करके एकजुट होकर रहना चाहता था। इसी बीच इन दोनों राज्यों के मध्य गृह युद्ध छिड़ गया, जो कि 1861 से लेकर 1865 तक चला, और इस गृह युद्ध में उत्तरी राज्य की जीत हुई। ये कहना बस काफी नहीं होगा कि युद्ध सिर्फ गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था, क्योंकि इस युद्ध का कारण अलग अलग विचारधारा होने के विरोध का भी परिणाम था। दक्षिण राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी में खेती करने के लिए अफ्रीका से आए गुलामों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते थे, जबकि 1801 में उत्तर राज्य में इस प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया गया। उत्तर के निवासी मशीन युग में आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करने लगे थे और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, किंतु दक्षिण के निवासी केवल खेती पर ही आधारित थे। उन्होंने युग के साथ प्रगति नहीं की और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। साल 1863 की शुरुआत उत्तर राज्यों के लिए बहुत कठिन साबित हुई, किंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध का तख्ता पलट गया। साल 1864 में युद्ध का अंत साफ दिखने लगा। उत्तर के राज्यों की जीत हुई और गृह युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिण राज्यों के लिए सख्ती नहीं अपनाई गई और गुलामी की प्रथा खत्म करके गुलामों को आजाद करने का कानून बना दिया गया। लिंकन ने देश की परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाला, जिस वजह से हर तरफ हालात अच्छे होने लगे। फिर अप्रैल 1865 की एक रात में अब्राहम लिंकन बहुत ज्यादा थक गए थे। जब वो सोने गए तो उन्होंने नींद में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति निवास, उसमें एक दिन बहुत शांति छाई हुई थी। उन्हें ये शांति बहुत अजीब लगी। उन्होंने शांति का कारण जानना चाहा। जब वो नीचे उतरे तो पाया कि लोग रो रहे थे। वो आगे बढ़ने लगे ये देखने के लिए आखिर हुआ क्या है। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक डेड बॉडी थी। वो डेड बॉडी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने गार्ड से पूछा, यहाँ किसकी मौत हुई है? गार्ड ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट की। ये सुनते ही अचानक उनकी नींद खुल गई। इस भयानक सपने के बाद वो सोचने लगे कि ये कोई संकेत तो नहीं है। फिर अगले 2-3 रातों तक वो लगातार इस तरह के सपने देखते रहे। 14 अप्रैल 1865 को उन्होंने अपने सपने के बारे में अपने बॉडीगार्ड विलियम एच क्रुक को भी बताया। आपको बता दें, अब्राहम लिंकन को थिएटर जाना बहुत पसंद था, और फिर एक दिन वो थिएटर जाने को तैयार हुए, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें थिएटर न जाने की सलाह दी। उसने कहा, आपके इस डरावने सपने का यही कारण है। लेकिन अब्राहम लिंकन को फोर्ट थिएटर जाना पसंद था। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी मैरी डॉट को आज थिएटर ले जाने का वादा किया है। फिर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को गुड बाय बोला और अपनी पत्नी के साथ फोर्ट थिएटर पहुंच गए। फोर्ट थिएटर में उस दिन आर अमेरिकन क्यूजिन नाम का शो चल रहा था, जिसमें मुख्य भूमिका जॉन विक्स बूथ निभा रहे थे। अब्राहम के साथ थिएटर में उनके कुछ गार्ड्स भी थे, वो भी शो के बीच में बाहर निकल गए थे। रात 10:15 पर मौका देखकर जॉन बूथ ने अब्राहम लिंकन के सर पर पीछे से गोली मार दी। गोली लगने के कुछ घंटों बाद भी अब्राहम लिंकन जिंदा थे, लेकिन अगली सुबह 7:22 पर पीटरसन हाउस में उनकी मौत हो गई।